हेलो चिल्ड्रेन, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो रिसोर्सेज, व्हाट इट इज दैट मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. दीज आर रिसोर्सेज. व्हाट इज अ रिसोर्स, वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. So, what is the answer of a resource? What is a resource? So, anything that can be used to satisfy a need is a resource. So, you can look around yourself and see that there are types of resources. Identify them as a resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he had used are also a resource. So we need to find out that what are the resources around you in your home. So let's do, you can find out 5 resources in your home and 5 you use in your classroom. So you need to write down in your copy like the resources what you can see around yourself in school as well as in classroom. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. So वो चीज़ जिससे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को, नॉन लिविंग थिंग को अपने यूज़ में ले आएँ, हमारी ज़रूरत को जो चीज़ पूरा कर दे, वो क्या कहलाता है, रिसोर्सेज. और उसी यूज़ को बोलते हैं यूटिलिटी और यूजेबिलिटी. हाउ डज समथिंग बिकेम अ रिसोर्स, राजू नाउ वॉन्टेड टू नो. अम्मा टोल्ड दैट चिल्ड्रेन दैट The things become resource only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. Har resource ki apni ek value hai. Us cheez ke base par hum keh sakte hain ki koi bhi object resource hai ya nahi. Like कोई अगर वुड है, कोई लकड़ी है, तो लकड़ी का हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी लकड़ी से अगर हम डस्टर बना दें तो अब डस्टर हमारे लिए यूज़फुल हो गया, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स. सो हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब जो उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. सो मेटल्स मतलब कोई भी चीज़, जो ऑब्जेक्ट जिसको हम खरीद सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है. इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसको हम पैसे से खरीद सकें. लेकिन एक ब्यूटीफुल सीनरी, लैंडस्केप, अगर आप कहीं घूमने जाएं, कोई एक आप जैसे आप शाही फोर्ट देखें, शाही किला देखें, या कोई भी अच्छा कोई एक सीन देखें, तो क्या उसको हम खरीद सकते हैं, नहीं. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दोनों ही की ज़रूरत है, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है हमको. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पैटेंटेड एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फॉर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. जैसे हमारे घर में बना हुआ कोई सामान, हमारी ग्रैंड मदर ने बनाया कोई सामान, तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर वो सामान कोई बाहर का फर्म, कोई कंपनी बेचे, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है. वी हैव ग्लॉसरी हियर. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द एप्लीकेशन of latest knowledge and skill in doing or making things. किसी भी सामान को अपने knowledge से, अपने skill से किसी भी चीज़ में convert करना क्या कहलाता है, technology. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी object को, किसी भी substance को resource में convert कर देती हैं, और वो क्या है, time and technology. Both are related to the needs of people. People themselves are the most important resource. दोनों ही चीज़ ज़रूरत पूरी करती हैं इंसानों की, और people themselves are the most important resource. हम खुद, इंसान खुद बहुत ही important resource है. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. So जिस तरह से human being की need बढ़ी, जैसे fire का invention हुआ, human being ने fire को invent किया, उससे क्या हुआ कि हम खाना पका के खाने लगे, cook होने लगा, और बहुत सी चीज़ें हम fire से use करते हैं, इस्तेमाल मिलाते हैं. तो इस तरह से ह्यूमन बींग की जो नीड थी, ज़रूरत थी, उससे क्या हुआ, नए नए डिस्कवरीज क्रिएट हुई. व्हील का इन्वेंशन, पहिए का,
तो पहिए के इन्वेंशन से क्या हुआ कि हमें ट्रांसपोर्ट मिला, नया मीन्स न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिला। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इन टू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तेज़ बहता हुआ पानी भी हम क्या कर लिया, उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना लिया। सो ये क्या था, ह्यूमन बींग की नीड थी जिससे इन्वेंशंस बने। सो यू कैन यू आर हैविंग हेयर एक्टिविटी दैट सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्माज लिस्ट दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग अ नो कॉमन वर्चुअल वैल्यू। सो यू कैन मेक बाई योर ओन, हेयर इज अम्माज लिस्ट एंड यू कैन मेक इट फ्रॉम हेयर दैट विच हैज विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू और कॉमर्शियल वैल्यू। नाउ वी हैव द टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अभी हम पढ़े रिसोर्स के बारे में, वॉट इज रिसोर्स दैट एनी थिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। अब रिसोर्सेज टू टाइप्स की हैं, मेनली थ्री टाइप्स की यहाँ पर हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सो हर वो रिसोर्स, हर वो चीज़ जो हम नेचर से लेते हैं बिना उसमें कोई मॉडिफिकेशन किए और वो डायरेक्टली हमारे यूज़ में आती हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉयल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। सो जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी जो रिवर में है, जो लेक्स में है, सॉयल, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स है, इसमें ह्यूमन बींग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं और ना हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो हम ज़्यादातर जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ में हम टेक्नोलॉजी के बेस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमारा अच्छा उससे यूज़ हो सके। नेचुरल रिसोर्सेज कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज इनटू टू, दैट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ये नाम से क्लियर है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जिसको हम रीन्यू कर सकें, फिर से इस्तेमाल कर सकें, उसे बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जिसको हम दोबारा यूज़ ना कर सकें। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। जो तेज़ी से उसको हम यूज़ कर सकते हैं और वो फिर क्रिएट हो सकती हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सो जो हैं जिनको हम ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द रिस्टॉक। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे। सो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू तो हो सकते हैं लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, जैसे कि वाटर हो गया, उसका केयरलेस यूज़ करने से क्या हो गया कि जो रिफ्रेश वाटर जो हम पीने लायक हमारे पानी है वो ड्राई अप हो रहा है। सेकेंड इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो ख़त्म हो सकते हैं, इसके पास लिमिटेड स्टॉक है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। सो ऐसे रिसोर्स जो जिनका स्टॉक लिमिटेड हो, जो ख़त्म हो जाए, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन मीन मतलब एरिया, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। सो ये रिसोर्सेज अनइवन होने की वजह से कहीं पर क्लाइमेट ज़्यादा है, कहीं पर क्लाइमेट कम। सो क्लाइमेट और टेरेन और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट हैं पूरे अर्थ पर। नेक्स्ट वी विल डू द अदर रिसोर्स दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू जस्ट रीड द चैप्टर फ्रॉम हियर एंड मैच ऑल द टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द वीडियो। थैंक यू।